शायान बिल्कुल तैयार, बल्लेबाज भी तैयार हैं, चारों ओर फील्ड्स फैल चुकी है। शायान मैच का दूसरा और अपना पहला ओवर। पूरी की पूरी टीम मैदान के बीचों बीच, मैच का आगाज होने ही वाला है। 30-30 ओवर्स का ये मैच खेला जाएगा। वेदांक और लव सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंच गए हैं। मैच का आगाज होने ही वाला है। अंपायर ने इशारा किया और अर्नव की पहली गेंद, मैच की शुरुआत हो चुकी है और फाइन लेग की तरफ खेलकर खाता खोला सलामी बल्लेबाज ने अपना। लव और वेदांग बल्लेबाजी के लिए आए हैं आज ओपनिंग। अर्नव एक बार फिर से भागना शुरू किया और ये शानदार थ्रो थी शायान की, बाल बाल बचे बल्लेबाज। जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहिरा स्लिप में शायान की तरफ से। शायान बिल्कुल तैयार, बल्लेबाज भी तैयार हैं, चारों ओर फील्ड्स फैल चुकी है। शायान मैच का दूसरा और अपना पहला ओवर लेकर, पहली गेंद और अच्छी गेंद थी, इसको डिफेंस कर दिया, कोई रन नहीं। शायान अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद लेकर एक बार फिर से, और नज़दीकी फील्डर मौजूद नहीं और शायान फॉलो थ्रू में पहुंच गए मिड विकेट की तरफ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। शायान एक बार फिर से तीसरी गेंद लेकर अपने पहले ओवर की, और ये बहुत ही करारा शॉट, मिस फील्ड हुई वहां पे और सीमा रेखा के बाहर चली गई बॉल, चार रनों के लिए। शायान एक बार फिर से भागना शुरू किया, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और इसको कवर्स पे खेल दिया है, वहां पे फील्डर मौजूद और ये एक और रन। तीन ओवर्स का खात्मा हो चुका है। शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर और बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, भागना शुरू किया शायान ने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर और हवा में खड़ी हो गई है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, बाल बाल बचे बल्लेबाज। शायान एक बार फिर से दूसरी गेंद लेकर अपने दूसरे ओवर की, और ये डिफेंस कर दिया, कोई रन नहीं। शायान अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर और गेज लगी थी बाहरी किनारा, जहां पे विकेट मिलना चाहिए था वहां पे सीमा रेखा के बाहर चली गई बॉल, चार रनों के लिए। शायान एक बार फिर से बिल्कुल तैयार, भागना शुरू किया और इसको खेल दिया मिड विकेट की तरफ, सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए। पांचवें ओवर की पहली गेंद और ये बीट हो गए बल्लेबाज। शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर, दो ओवर में 15 रन खर्च कर चुके हैं और एक और बॉल गली की दिशा में खेला, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक और रन का इजाफा। शायान एक और बॉल लेकर, बल्लेबाज तैयार और ये अच्छी गेंद थी, डिफेंस कर दिया, कोई रन नहीं। शायान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर और ये इनर एज लगी थी, फाइन लेग की तरफ बॉल गई है, वहां पे एक और फील्डर मौजूद, एक और रन का इजाफा। सिक्स ओवर्स का खात्मा हो चुका है और 28 रन स्कोर हो गए हैं बिना किसी नुकसान के, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाज। शायान ने अपने तीन ओवर के कोटे में कुल 17 रन खर्च किए हैं। सेवन ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 32 रन स्कोर हो चुके हैं और नए गेंदबाज अथर्व आ गए हैं बॉलिंग की कमान संभालने के लिए, फैली हुई फील्डिंग चारों दिशाओं में। अथर्व अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर भागना शुरू किया और ये अच्छी उछाल मिली पहली गेंद पे, बल्लेबाज बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाए। एक और नए बॉलर अंश आ गए हैं अब गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए, अपने
ओवर की पहली गेंद लेकर भागना शुरू किया। बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और इसको मिड विकेट की दिशा में खेल है। वहां पे फील्डर मौजूद शायन बैकअप कर रहे थे। एक और रन का इजाफा और डायरेक्ट थ्रो अथर्व की तरफ से और इसके साथ ही पहली विकेट का पतन हो गया है रन आउट के रूप में। काफी जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। उम्दा बॉलिंग ईशान की और इसके साथ ही एक और कॉट बिहाइंड, दूसरी विकेट का पतन हो गया है 41 रनों के कुल योग पे। दोनों ही नए बल्लेबाज अब मैदान के बीचों बीच आ गए हैं, आयुष्मान और सिद्धार्थ। अथर्व अपनी दूसरी ओवर लेकर एक बार फिर से तैयार। बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा हो रहा है। एक और स्क्वायर लेग की तरफ से सीधा डायरेक्ट हिट और एक और विकेट का पतन। इसके साथ ही तीन विकेटें गिर चुकी हैं अब विपक्षी टीम की और खिलाड़ियों में जोश और खरोश भर गया है। तीसरे विकेट के बाद अंश एक और बॉल लेकर और नए बल्लेबाज फाइन लेग की तरफ घुमा दिया है और ये धीरे धीरे सीमा रेखा की तरफ जा रही है और ये गेंद बाउंड्री पे लगभग फील्ड की गई। एक और रन का इजाफा। आसिफ आ गए हैं अब बॉलिंग की कमान संभालने। 52 रन स्कोर हुए हैं तीन विकेटों के नुकसान पे और इसको कवर्स पे खेल दिया। वहाँ पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। काफ़ी अच्छा घट रहा है अभी तक शायान की टीम के लिहाज से अगर बात की जाए तो ये मैच। चौथी विकेट का भी पतन हो गया है। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे इस वक्त चल रहा है। 62 रन कुल स्कोर किए हैं विपक्षी टीम ने अभी तक चार विकेटों के नुकसान पे 15.4 15.4 ओवर्स के खात्मे के बाद। एक और डायरेक्ट हिट स्क्वायर लेग बाउंड्री से और एक और विकेट का पतन। आज ज्यादातर विकेटें रन आउट ही हुए हैं अभी तक, पांच में से चार विकेटें। पांच विकेटें गिर चुकी हैं 73 रन के कुल स्कोर पे 19.4 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। एक और शानदार कैच कवर्स की दिशा में और एक और विकेट का पतन। प्रियांशी को मिल गई है दो विकेटें इस ओवर में 2.4 ओवर्स, 7 रन और दो विकेटें। काफ़ी अच्छी बॉलिंग। इसके साथ ही नए बल्लेबाज अब मैदान के बीचों बीच आ रहे हैं। 26 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। 102 रन स्कोर हो गए हैं। अंश एक बार फिर से बॉलिंग की कमान संभालने आ गए हैं और सामने बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और जोर से बल्ला घुमाया था। अलग है इनर एज लगकर वहीं पे रुक गई बॉल, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। एक और बॉल लेकर अंश भागना शुरू किया। बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और ये 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। चौथे प्रयास में सफल रहे बल्लेबाज। एक और बॉल लेकर बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और ये क्लीन बोल्ड हो गए। हर बॉल को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचाना चाह रहे थे, क्लीन बोल्ड। अंश को मिली दूसरी सफलता। एक और बॉल लेकर सामने बल्लेबाज तैयार और इसको बहुत ही उम्दा शॉट, लाजवाब सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं अथर्व गाबा। 16 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 विकेट गिर चुकी हैं, 123 रन स्कोर हुए हैं, 28.4 ओवर्स का खात्मा हो चुका है। इसी बीच अंश एक और बॉल लेकर और ये अच्छी फील्डिंग आसिफ की, लेकिन एक रन लेने से रोक नहीं पाए। 5 गेंदें इस इनिंग्स की शेष। अर्नब एक और बॉल लेकर, अच्छी बॉल थी, हल्की सी मिस फील्ड हुई और वहां पे मिक्सअप हो गया, रन आउट का चांस बन सकता है, हालांकि कोई नुकसान नहीं। तीसरी गेंद अर्नब अपने आखिरी ओवर की और इनिंग्स की भी और ये मिड विकेट की तरफ खेल दिया है। वहां पे फील्डर मौजूद और इसके साथ ही एक और रन।
तीन गेंदें बची हैं अब इनिंग्स की। अर्नब ने भागना शुरू किया, बल्लेबाज तैयार और सीधा हाथों में, और ये उम्दा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर, एक और विकेट का पतन। इसके साथ ही अर्नब को एक कामयाबी मिल गई है, 9 विकेटें गिर चुकी हैं अब 130 रन्स के खुले स्कोर पे। एक और नए बल्लेबाज अब आखिरी की दो गेंदें खेलने के लिए मैदान के बीचों बीच आते हुए। अर्नब बिल्कुल तैयार, भागना शुरू किया इनिंग्स की आखिरी गेंद लेकर, विकेट भी आखिरी मौजूद इस वक्त, और ये बल्ले का बाहरी अंदरूनी किनारा लेकर ये सीमा रेखा के बाहर चली गई है बॉल। इसके साथ ही इनिंग्स की समाप्ति हो गई है और 135 रन स्कोर हो गए हैं 9 विकेटों के नुकसान पे 30 ओवर के खात्मे के बाद। इस तरीके से अब शायान की टीम को 136 रन स्कोर करने होंगे अगर इस मैच को जीतना है।